मैं आज कढ़ी चावल के साथ वो बनाऊंगी राइस बॉल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सब सामग्री है, इंग्रेडिएंट्स है। ये हमने लिए राई, ये है हमारा जीरा, ये है लाल मिर्च सूखी हुई, नमक स्वाद अनुसार, ये आ गया हमारा हल्दी पाउडर, ये हींग एक चुटकी, ये हमने बेसन लिया है, हमने राजधानी बेसन लिया है, आप कोई सा भी बेसन यूज़ कर सकते हो। और ये है दही, हम घर की दही बनी हुई यूज़ कर रहे हैं, आप कोई सी भी मार्केट में जो भी अवेलेबल हो वो ले आ सकते हो। पहले हम घोल बनाएंगे, उसके लिए हमें बेसन को लेना है, उसमें हमने ऐड करने हैं बाकी इंग्रेडिएंट्स, हल्दी, मसाला और नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर। अब हम इसको पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से, जितना अच्छा घोल बनेगा उतना अच्छा इतने अच्छे कढ़ी के पकौड़े बने जाएगा। हमने इसमें धनिया ऐड कर लिया है और इसे मिक्स करना है अच्छे से। अब हम दो घोल बनाएंगे, एक जो कढ़ी के लिए होगा पतला घोल, एक मोटा जिससे हम कढ़ी के पकौड़े बनाएंगे। याद रखना दोनों अलग अलग होने चाहिए, कढ़ी के लिए अलग पतला वाला और दूसरा मोटा वाला जिसे हम पकौड़े बनाएंगे। गाइस हमें कढ़ी के लिए बेसन के पकौड़े चाहिए। अब हम क्या करेंगे, कढ़ी बनाने के लिए उसमें और ज़्यादा दही ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपका कच्ची वगैरह से मिक्स नहीं हो रहा है तो आप ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हो, मिक्सी भी यूज़ कर सकते हो। अब हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हमें एक प्रेशर कुकर लेना है, आप कढ़ाई भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद हमने गैस जलाना है, अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, कोई सा भी तेल आप यूज कर सकते हो। हमने इसमें डाल दिया सरसों का तेल, अब इसके गर्म होने तक का वेट करेंगे। सरसों का तेल थोड़ा टाइम लेता है गर्म होने में, हमारा सरसों का तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मेथी, राई, चलिए मेथी डालते हैं। अब हम इसमें और भी प्रकार के मसाले डालेंगे, ये हमारी सूखी हुई लाल मिर्च, हमने इसमें प्याज का यूज़ नहीं करा है क्योंकि गोवर्धन है, आप चाहे तो प्याज का यूज़ कर सकते हो। ये है हींग, ये है हमारी राई, ये है जीरा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, नमक मिर्च वगैरह स्वाद अनुसार डालें, हल्दी पाउडर, इसमें कोई सा मसाला डाल सकते हैं, गरम मसाला कोई सा भी। अब हमने जो घोल तैयार किया था वो इसमें डालेंगे और इसे कड़छी से अच्छे से हिलाते रहें ताकि वो नीचे ना चिपक जाए, बिल्कुल अच्छे से कॉन्टिन्यूसली हिलाते रहना है और फिर इसे धीमी आंच पे छोड़ देना है। तब तक ये धीमी आंच पे होगा तब तक हम और काम कर सकते हैं। अगर आपको कढ़ी में पानी की क्वांटिटी बढ़ानी हो तो चलिए फिर हम और चावल ऐड करके धो देते हैं, इसे उसमें डाल सकते हैं और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दें। अब बिना पकौड़े के कढ़ी में मज़ा नहीं आता है, तो कढ़ी के साथ पकौड़े चाहिए ही चाहिए। आप वैसे और ऐड करना हो नमक स्वाद अनुसार तो आप ऐड कर सकते हैं, हमें नमक कम लगा क्योंकि हमने पानी ऐड करा तो हमने इसमें नमक और ऐड कर दिया। तो चलिए जब तक हम अपनी कढ़ी को धीमी आंच पे छोड़ दें तब तक हम पकौड़े की तैयारी करते हैं। अच्छे से मिक्स कर देना इन्हें,
हमने बिल्कुल धीमी आंच पे कड़ी को छोड़ दिया है और ये उबलती है तो इसे थोड़ा थोड़ा हिलाते रहें। हमने एक कढ़ाई ली है और उसमें सरसों का तेल डाला है पकौड़े बनाने के लिए, और जो हमारा गाढ़ा वाला पेस्ट था उसको हमने लिया है, अच्छे से मिक्स करा है। अब हम इसके पकौड़े बनाएंगे। अब अभी गोवर्धन के लिए मैं इसमें सिंपल से बेसन के पकौड़े बना रही हूँ, बाकी इसमें आप प्याज और ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बेसन के पकौड़े बनाएंगे। हम चम्मच से बनाते हैं, हमने चम्मच लिया है और बिल्कुल अब आप एक एक ड्रॉप करके आप हैंड से भी पकौड़े बना सकते हो, पर स्पून से कंफर्टेबल रहेगा तो आप स्पून से डालते रहें। हमारे पकौड़े अब बन गए हैं सारे, हम ऐसे करके सारे पकौड़े बनाते रहेंगे जल्दी जल्दी। अब हम सारे पकौड़े अच्छे से उनका तेल निकाल कर उन्हें बाहर निकालेंगे, उन्हें अच्छे से हिलाते रहेंगे उससे ताकि सारा तेल निकल जाए। अब किसी भी नैपकिन या न्यूज़पेपर के ऊपर ले लो ताकि वो सारा ऑयल सोक कर ले। अब हमने लिए हैं बासमती राइस चावल बनाने के लिए, आप कोई से भी ले सकते हैं। आप चावल को एक किसी यूटेंसिल में डालें जिसमें आप डाल सकें। उसके बाद आपको इन चावलों को भिगोना है धो के अच्छे से। पहले हम इनको अच्छे से धो लेंगे। अब हमने इन्हें धो दिया है, इन्हें अच्छे से धोना है। ये हमारे पकौड़े सारे बन चुके हैं, तब तक हमारे चावल भीग रहे हैं अच्छे से, तब तक हम इन कढ़ी में अपने पकौड़े ऐड कर लेते हैं। ये ली हमने एक कढ़ाई, इसमें हम भिगो देंगे अपने चावल। सारा पानी निकाल लो। हम जीरा राइस बना रहे हैं तो पहले हमें कढ़ाई में जीरा डालना है। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, घी प्लस जीरा। अब हम अपने जीरा को अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल अच्छे से लगे रहना है। इनको अच्छे से जब तक इसका पूरा कलर ब्लैक नहीं हो जाता और कढ़ाई से धुआं नहीं आने लग जाता तब तक हम इसे हिलाते रहेंगे, अच्छे से इसको हिलाते रहेंगे। अब हमारा पूरा जो जीरा था वो ब्लैक हो चुका है। अब हम इसमें अपने चावल डालेंगे। हमने सारे चावल इसमें डाल दिए हैं और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारा जीरा और चावल अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए, हमने इसे मिक्स भी कर दिया। अब हम इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे चावल अच्छे से बने। इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। हमने इसे बंद कर दिया है। तो चलिए जी, हमारी कढ़ी भी तब तक बनी रही थी धीमी आंच पे। अब हम इसमें पकौड़े डाल देते हैं। हमने इसमें पकौड़े डाल दिए हैं, हम इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। गाइज, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको और किस टाइप का चाहिए। ये बन गया है हमारा चावल जीरा राइस और हमारी कढ़ी भी तैयार ही है। तो बस अब प्लेटिंग की बारी है, तो गाइज चलिए प्लेटिंग करते हैं। जीरा राइस बॉल्स बनाने के लिए हमें राइस चाहिए हाथ में। हम उसको बॉल की तरह गोल गोल घुमाएंगे, जैसे लड्डू शेप बनाते हैं वैसे उसको बनाएंगे, गरम गरम राइस बॉल्स को। आप चाहें तो उसका ठंडा होने तक का वेट कर सकते हैं और इसे किसी भी उसमें ले लें। हमने 5 राइस बॉल्स बनाई हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर अपने कढ़ी डालेंगे। हमने इसके ऊपर अपनी कढ़ी डाल दी है। अब आती है पकौड़े की बारी, सो वी कैन ऐड पकौड़ा। तो हमारा राइस बॉल्स तैयार हैं विद कढ़ी। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। हैप्पी गोवर्धन टू ऑल, सारे खुश रहें, मुस्कुराते रहें। एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें, ये खाने में बहुत टेस्टी होगा।
इसे ज़रूर अपने गेस्ट्स, घर के अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल। ऐसे ही प्यार देते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय गाइज़।